सक्षमता परीक्षा पर बिहार में बवाल मचा है। आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ नियोजित शिक्षकों के 11 सदस्यीय शिष्टमंडल की वार्ता होगी। सक्षमता परीक्षा से कई मांग पर बात होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि परीक्षा के नियम में कुछ और बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। वही सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि भी बढ़ेगी। अब 19 फरवरी तक शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के बयान से नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि नौकरी से हटाने का फैसला फिलहाल नहीं हुआ है, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी साफ किया है कि किसी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। इन सारे बयानों के बीच आज नियोजित शिक्षकों के साथ वार्ता होने जा रही है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। बड़ा सवाल है कि सक्षमता परीक्षा शिक्षक क्यों न दे, शिक्षकों को क्यों सक्षमता परीक्षा का वो विरोध कर रहे हैं, नियोजित जो शिक्षक है वो क्या चाहते हैं। तो बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षक चाह रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षा नहीं ली जाए इसकी भी वो बात कर रहे हैं, परीक्षा में फेल होने पर नौकरी से हटाने का विरोध वो कर रहे हैं। साथ ही किसी भी हाल में 60 साल सेवा का अवसर देने की मांग नियोजित शिक्षकों की है।